मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, बिहार में डिस्ट्रिक्ट लीग की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। कुछ डिस्ट्रिक्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीग की डेट भी अनाउंस कर दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन जिलाओं ने डिस्ट्रिक्ट लीग की डेट अनाउंस कर दी है और आपके जिला में कब डिस्ट्रिक्ट लीग शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जिला और राज्य के सभी क्रिकेट न्यूज़ को सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लीग से रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं वो मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, बिहार में ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जिला लीग जल्द ही शुरू हो जाएगी और अधिकतर जिला में दिसंबर जनवरी में डिस्ट्रिक्ट लीग शुरू होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिला लीग में डिस्ट्रिक्ट की क्लब टीमें आपस में मैचेस खेलती है और लीग में जिन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहतर होता है उन्हें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लिए भी खेलने का मौका मिल जाता है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट लीग खेलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीग की शुरुआत दिसंबर जनवरी में हो जाएगी, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की डेट अनाउंस कर दी गई है। दोस्तों, वहाँ पे जनवरी में डिस्ट्रिक्ट लीग खेली जाएगी। और गाइज, आपको ये भी बता दूँ कि 8 जनवरी से मधुबनी में डिस्ट्रिक्ट लीग शुरू होने वाली है। तो गाइज, जो भी मधुबनी से हैं वो अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से बढ़ा दे गाइज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीग आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है। तो गाइज, वहाँ पे आपको कोई भी कसर नहीं छोड़ना है। बाकी दोस्तों, अगर आप किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए गाइज। वहाँ पर मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट की जो जिला लीग शुरू होगी उसकी क्या डेट रहने वाली है इस बारे में बता दूंगा। इसके अलावा जैसे ही किसी जिला या फिर राज्य से BCCI ट्रायल या टूर्नामेंट की कोई भी खबर आती है तो दोस्तों यहां पे मैं आपको सबसे पहले शेयर कर दूंगा। गाइज, डिस्ट्रिक्ट लीग में आपको अपने टीम की जीत पे तो ध्यान देना ही है दोस्तों, लेकिन आपको बता दूं कि टूर्नामेंट में टीम की जीत या हार के बावजूद आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ही देखा जाएगा। जी हाँ गाइज, आपका अगर परफॉर्मेंस खुद का बेहतर होता है तभी ही आपको जिला के लिए खेलने का मौका मिल पाएगा। तो गाइज, आपको टीम के लिए तो प्रयास करना ही है लेकिन खुद के परफॉर्मेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, ऐसे में ही आप खेल पाओगे जिला या फिर स्टेट के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और डिस्ट्रिक्ट लीग से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है दोस्तों अभी भी आपके मन में तो आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी गाइज, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करें और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को भी ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ। And I love you all.